अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है उसमें जॉब्स आई हुई हैं PPSC के थ्रू, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। आइए चेक करते हैं कौन कौन सी जॉब है और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले 34 पोस्ट हैं, 18 स्केल है इसका, ग्रेड 18 है। कंसल्टेंट जेनेकोलॉजिस्ट रेगुलर बेस पे है, इसमें 34 सीट हैं इंक्लूडिंग 1 पोस्ट रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन कोटा, 2 पोस्ट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी, 6 पोस्ट जो है वुमेन के लिए। MBBS विद MS, MBBS विद MS हो या FCPS इन जेनेकोलॉजी और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, या ये वाले रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मेल के लिए 50 ईयर एज है, फीमेल के लिए 53, और पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। नॉन टीचिंग DHQ और THQ हॉस्पिटल ऑफ द पंजाब, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी ये होगी। नेक्स्ट है 20 सीट है, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन की, इसमें 1 पोस्ट जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए, फिर एक पोस्ट माइनॉरिटी जो अकलीती है गैर मुस्लिम के लिए, 4 पोस्ट जो वुमेन के लिए। इसके लिए भी MBBS एंड MS या FCPS ऑर्थोपेडिक सर्जरी आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। 9 पोस्ट जो है कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, उसके लिए 1 पोस्ट जो है माइनॉरिटी के लिए, 2 पोस्ट फॉर वुमेन। MBBS विद MD और FCPS ये इसकी रिक्वायरमेंट है और ये जिसकी ये दी गई हुई है, डोमिसाइल पंजाब का है। 56 सीट्स हैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, इसमें 2 सीट जो है स्पेशल पर्सन के लिए, 4 पोस्ट जो है वो माइनॉरिटी के लिए, 11 जो है वुमेन के लिए। MBBS विद BSc और PhD और FCPS इन सब्जेक्ट रेलेवेंट पैथोलॉजी और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ये बाकी चीज़ें सेम ही है। इसके बाद कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट है, 26 सीट है टोटल, 1 पोस्ट जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए, 2 पोस्ट जो है वो माइनॉरिटी के लिए, 5 पोस्ट फॉर वुमेन। MBBS विद MD डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजी स्किन से रिलेटेड आ जाती हैं ये चीज़ें। देन FCPS या FCPS डर्माटोलॉजी होना चाहिए या इक्विवेलेंट, या ये रिक्वायरमेंट नीचे वाली हो, बाकी सेम ही प्रोसीजर है। इसके बाद 46 जो है वो सीट कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, 2 पोस्ट जो है स्पेशल के लिए, 3 फॉर माइनॉरिटी, 8 फॉर वुमेन। MBBS विद MS और FCPS ये, या ये रिक्वायरमेंट हो जाए या ये रिक्वायरमेंट है, या इसके अलावा ये रिक्वायरमेंट, ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट दी गई हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जिनकी डिग्री है उनको आइडिया है इस चीज़ का। बाकी एज जो है वो सेम ही है, डोमिसाइल वगैरह भी पंजाब का ही। इसके बाद 79 सीट जो है कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियंस, उनके लिए 3 रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन कोटा, 5 रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कोटा, 15 जो है वुमेन के लिए। MBBS विद MD या FCPS होना चाहिए इन पेडियाट्रिक्स और अदर इक्विवेलेंट, या इसके अलावा और बाकी रिक्वायरमेंट जो है वो सेम ही है। 10 पोस्ट हैं वो कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन है उनके लिए, 1 पोस्ट जो है माइनॉरिटी, 2 पोस्ट वुमेन के लिए। MBBS एंड MS होना चाहिए या FRCS या FCPS न्यूरो सर्जरी या इक्विवेलेंट, विद 3 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द स्पेशलिटी।
बाकी चीज़ें सेम ही हैं। देन 35 पोस्ट सर्जन है, उसके लिए 31 पोस्ट सर्जन के लिए इसमें एक सीट जो है वो स्पेशल पर्सन, 2 फॉर मिनोरिटी, 6 फॉर वुमेन कोटा। MBBS या MS, MBBS एंड MS सॉरी, और FCPS सर्जरी, बाकी सेम रिक्वायरमेंट है। ये सारी सीट जो है वो रेगुलर परमानेंट बेस पे हैं। 30 सीट जो है वो कंसल्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट है, 1 पोस्ट फॉर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन कोटा, 2 पोस्ट रिजर्व फॉर मिनोरिटी, 6 फॉर वुमेन। MBBS विद MS या FCPS होना चाहिए, बाकी रिक्वायरमेंट जो इसी तरह है। कंसल्टेंट ऑरोलॉजिस्ट, ऑरोलॉजिस्ट जो है वो उसकी 12 सीट है ऑरोलॉजिस्ट की, इसमें 1 पोस्ट जो है मिनोरिटी, 2 फॉर वुमेन। MBBS होना चाहिए या इक्वलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय द PMDC विद द फॉलोइंग कोर्स ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलिटी ऑरोलॉजी और FCPS ऑरोलॉजी, ये ऑरोलॉजी में होना चाहिए। देन 39 सीट हैं कंसल्टेंट TV और चेस्ट स्पेशलिस्ट के लिए, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन, 2 फॉर मिनोरिटी, 7 फॉर वुमेन। MBBS विद FCPS पल्मोनोलॉजी और TB एंड चेस्ट डिजीज और MD चेस्ट मेडिसिन, और ये इनकी रिक्वायरमेंट है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं उसी तरह से। देन 32 सीट हैं फिजिशियन के लिए, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन, 2 फॉर मिनोरिटी, 6 फॉर वुमेन कोटा। MBBS एंड MD और FCPS, इनकी लास्ट डेट जो है वो 7 जून है। PPSC के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई होगा, इनकी वेबसाइट जो है आप लोग इनकी वेबसाइट से, ये PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए एडवर्टीजमेंट आ गई है, आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे। इसका प्रोसीजर मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो बना के दिया गया हुआ है, और वहाँ से आप लोग, इधर से आप जो है वो अभी अपडेट शायद ना ही हुआ, तो आप लोग यहाँ से जो पोस्ट अभी नहीं अपडेट हुआ, कल तक मंडे को इंशाल्लाह हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग जो है सर्च करके जिसके लिए अप्लाई करना वो यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे प्रोसीजर मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाई हुई है, अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर आगा करें। इसमें इसकी फीस जो है आई थिंक सो वो 18 ग्रेड है, तो वो भी ऊपर दी गई होगी, वैसे तो यहाँ पे शो हो जाएगी अगर किसी को फीस। वैसे आम जो है रूटीन में 600 होती है, तो अब यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये, जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये देखे ये साथ ही फीस भी शो हो रही है इनकी। यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे तो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।